तरह से वो सेंचुरीज के ढेर लगाते चले जा रहे हैं विद 200 इज बिन फिनोमिनल। सो आई एम टॉकिंग अबाउट शुभमन गिल ओवर हियर। बाजिद भाई, शुभमन गिल एक ऐसे प्रोवेस के साथ नजर आते हैं, लगता नहीं है कि उनको कोई रोक पाएगा। इसे क्या मुश्किल पिच थी ये चेस करने के लिए, और अगर शुभमन गिल ना खड़े होते तो फिर मुकाबला और भी मुश्किल हो जाना था भारत के लिए। क्या लाजवाब बैटिंग करते हैं बाय द वे शुभमन गिल। कि शुभमन गिल ने जिस तरह की इनिंग खेली और पूरा मैच को लेके चले, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भरा हुआ उसके अंदर, अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, फोकस है, वो एक माइंड है, जाना है नए बॉल पे अटैकिंग क्रिकेट खेलनी। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही गिल के जबरदस्त शतक के बारे में। दोस्तों भारतीय टीम भले ही मैच हार गई लेकिन गिल ने सबका दिल जीत लिया। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में भी गिल की जमकर तारीफ की जा रही है। दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि बाबर से अच्छा प्लेयर तो गिल है, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि बाबर से अच्छा प्लेयर गिल है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं पाकिस्तानियों का जबरदस्त रिएक्शन, लेकिन उससे पहले गिल के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आइए देखते हैं रिएक्शन। से पहले हमने जहां पे इंडियन बैटर्स के बारे में बात की, हमने फॉलो विकेट्स भी के ऊपर तस्करा किया, उनके बॉलर्स के हवाले से बात की, मेरा ख्याल है यहां पे एक और पॉजिटिव जो इंडिया के लिए नजर आ रहे हैं और बड़े रन्स करते हैं, आई थिंक दैट शुभमन गिल। शुक्र है कि शायद जब पाकिस्तान का पहला जो मैच था इंडिया के खिलाफ उसमें वो थोड़े डिफेंसिव रहे, वरना अदरवाइज जिस तरह से वो सेंचुरीज के ढेर लगाते चले जा रहे हैं विद 200 इज बिन फिनोमिनल। सो आई एम टॉकिंग अबाउट शुभमन गिल ओवर हियर। बाजिद भाई, शुभमन गिल एक ऐसे प्रोवेस के साथ नजर आते हैं, लगता नहीं है कि उनको कोई रोक पाएगा। हाँ, बहुत टैलेंट है, बहुत क्लास प्लेयर है। आपने आज ही देख लिया कि इस पिच पे ऐसा लग रहा था कि शायद ये डिफरेंट पिच, आवाज बल्ले की ऐसी आ रही थी कि लग रहा था कि यार ये वर्क ऑफ आर्ट है, ये डिफरेंट पिच पे खेल रहे हैं, बाकी डिफरेंट पिच पे खेल रहे हैं। वेट करके भी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, और जैसे जैसे इनिंग्स गुजरी है इसके पास ये हुनर भी है कि जब दिल करता है ऐसे आउट ऑफ द ब्लू छक्का मारता है, मतलब आपको लग नहीं रहा होता कि अभी निकल के मार देगा या उठा के मार देगा, लेकिन इसमें ये क्वालिटी है कि छक्का जब मारता है तो जाता तो है, लेकिन ऐसे नहीं लगता कि अभी इस ओवर में छक्का मारेगा या मारेगा, ये एकदम से निकल के छक्का मार देता है। खेलने के तरीके से नजर आ गया कि ये बाकियों से अलग है। बिल्कुल ऐसे ही मैं सना आपसे भी इस हवाले से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि राशिद भाई ने एक दिन तस्करा किया था कि यार ये अपना एक तो बैटिंग ऑर्डर इनका बड़ा डीप रहता है, और इंडिया के अंदर जिस किस्म का मैकेनिज्म है, जिस तरह से प्लेयर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो बैटर्स हमेशा से उम्दा बैटर्स ये प्रोड्यूस करते हैं, और जहां आपको लगता है कि शायद अभी रोहित जाएगा या विराट कोहली जाएगा तो उनके पास नेक्स्ट अवेलेबल होगा, जो हमने देख लिया। अब अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को हम अपने कॉन्टेक्स्ट में लेके आते हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम ओपनर्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने देखा अभी रीसेंट आउटिंग जितनी हुई पाकिस्तान की, मिडिल ऑर्डर हमारे लिए एक सवालिया निशान बनता है, तो हमें इस किस्म के तगड़े बल्लेबाज अब रीसेंट टाइम्स में नहीं नजर आ रहे, या अगर आपको नजर आते हैं तो आप जरूर बताएं हमें। देखिए, हम सिस्टम्स की बात, वही सारी बात वापस आ जाती है। उन्होंने अंडर 19 का कोच किसको लगाया? राहुल द्रविड़ को। हम किसको लगाते हैं अंडर 19 में कोच? हम लोग उस कैलिबर के प्लेयर को वहां लेके ही नहीं जा सकते। वो खुद नहीं जाते शायद। क्यों नहीं जाते? पूछना चाहिए ना उनसे। ना उनको अथॉरिटी दी जाती है, ना उनको फाइनेंशियली सपोर्ट उतना दिया जाता है जो वो डिजर्व करते हैं। जब आप पाकिस्तान खेलते हैं और जाके ग्रास रूट पे काम करना चाहते हैं, द्रविड भी किसी वजह से ही गए होंगे ना। कि शुभमन गिल ने जिस तरह की इनिंग खेली और पूरा मैच को लेके चले, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भरा हुआ उसके अंदर, अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, फोकस है, वो एक माइंड है, जाना है नए बॉल पे अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, रन्स करने हैं, होते तो फिर मुकाबला और भी मुश्किल हो जाना था भारत के लिए। क्या लाजवाब बैटिंग करते हैं बाय द वे शुभमन गिल। लेजी एलिगेंस, रोहित शर्मा का एक तरह से लगता है उसमें फर्मा फिट हुआ है, जैसे रोहित शर्मा, यंग रोहित शर्मा खेल रहे हैं, बहुत टाइम है उनके पास, बहुत क्लास है। और अच्छी बात यह है कि टफ पिच के ऊपर नेचुरली एक तरह से नॉर्मल क्लासी बैटिंग भी कर सकते हैं, और अगर जब इनको बड़ी हिट्स लगानी है तो छक्के भी लगाते हैं। सो इनके पास हर चीज है, टेम्परमेंट है, लंबी इनिंग्स खेलते हैं, शॉट सिलेक्शन अच्छी है, घबराते नहीं है बिल्कुल, सिंगल्स भी निकालते हैं और फिर एंड तक जाते हैं। देखिए, ये अगर ना खड़े होते और इनको पता था कि यही मुकाबला एंड तक लेके जाएंगे, और फिर उस वक्त क्योंकि चांस लेना था, खैर वो छक्का नहीं लगा सके, बट एनीवे बड़ी ग्रेट इनिंग्स थी ये। तो दोस्तों देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया गिल की जम के तारीफ कर रही हैं, और उनका कहना है कि आने वाले समय में विराट कोहली के जगह पे गिल
काफ़ी अच्छा फिट बैठते हैं और भारत का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में गिल अच्छा करेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि एशिया कप फाइनल में क्या भारत श्रीलंका को हरा पाएगा या नहीं, क्योंकि भारत जैसी टीम बांग्लादेश से भी हार गई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।